वेलकम बैक जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने रात को छोले भिगो कर रख लिए थे, अब उन्हें सुबह एक कुकर में डालकर उबालना है। तो देख, अब कुकर में डाल दिए हैं, तो अब देखें इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे। एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, मैंने एक कपड़े में थोड़ी सी चाय पत्ती, चाय पत्ती में ही हरी इलायची भी है, और इसमें लौंग और काली मिर्च डालकर गांठ मारकर इस कुकर में डाल दिया है। कुकर में डालने के बाद आप उसमें नमक डाल दीजिए और फिर पानी ऐड करके कुकर का ढक्कन बंद कर दीजिए और कुकर में 6 से 7 सीटियाँ आने दीजिए। अब हम बनाएंगे भटूरे के लिए आटा। तो मैंने मैदा ले ली है, उसमें थोड़ी सी सूजी डालेंगे और फिर हम उसमें डालेंगे इनो। एक पैकेट इनो लिया है मैंने, लेमन वाली इनो लेनी है। ये डालकर अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इनो को एक्टिवेट करेंगे और इसको अच्छे से आटे में मिला लेंगे। भटूरे बनाने के लिए मैंने आटा सुबह ही लगा कर रख दिया था। आपको जब भी भटूरे बनाने हो, कम से 4-5 घंटे पहले आप आटा बनाकर रख दीजिए। इससे क्या होगा, इनो डालकर बनाने से हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और हमारे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे, एकदम फूले फूले जैसे बाज़ार में मिलते हैं बिल्कुल वैसे। देखिए मैंने आटा बिल्कुल तैयार कर लिया है। मैं भटूरे का आटा ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना बहुत ज़्यादा टाइट करना है, नॉर्मल आटा बनाना है। अब मैंने इस पर थोड़ा सा तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद हम इसको ढककर 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपने छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई रखी, इसमें तेल गरम किया और फिर उसमें हमने जीरा, हींग, तेज़पत्ता और बड़ी इलायची डाल दी है। इन सब को अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। घर पर छोले भटूरे का टेस्ट ही अलग आता है। हमें हमेशा घर पर बनाकर ही खाने चाहिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। हमारी देखिए प्याज हो गई है, अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भूनने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे अब टमाटर का पेस्ट। मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर रख ली थी। देखिए टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए मैंने 2 टमाटर ही पीस कर डाले हैं। बाकी देखते हैं आगे हम इसमें खटास के लिए और क्या ऐड करेंगे। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें अपने बेसिक मसाले ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर डालेंगे हम खटाई के लिए। और हाँ, खटाई, लाल मिर्च पाउडर, और अब मैंने इसमें डाला है चना मसाला, छोले मसाला, जो बाज़ार में MDH वगैरह का जो छोले मसाला आता है, हम उसको डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब मैंने इसमें खटाई के लिए इमली को पहले से ही भिगो कर रख लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे बाद में। मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको चला लेंगे। थोड़ा कटी हुई लंबी हरी मिर्चें भी काट डाल लीजिए आप, अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको ढककर पकाएंगे
फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को और अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने छोले, और हमने कुकर में जो भी मसाले, खड़े मसाले पोटली बना कर डाली थी, हम उसको पहले ही अलग कर लेंगे। छोले डालने के बाद अब हम इसको पहले हम थोड़े से छोले अलग कर लेंगे, उनको मैश करके अच्छे से कढ़ाई में डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक बने, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी बॉयल आलू नहीं ऐड किया है, इसलिए हम अपने छोलों को मैश करके उसमें डाल देंगे। हम इसमें बॉयल आने देंगे अच्छे से, ताकि छोलों में थोड़ी सी थिकनेस आए। अब हम इनको अच्छे से पकने देंगे। ये मैंने इसमें इमली का पानी डाल दिया है, जिससे छोलों में अच्छा खट्टा सा टेस्ट आएगा, क्योंकि भटूरों के साथ छोले का खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है। थोड़े खट्टे खट्टे से छोले अच्छे लगते हैं। देखिए हमारे छोले तैयार हो गए हैं। अब हम अपना आटा देख लेते हैं, हम भटूरे बनाएंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो गया। मैं इसको हाथ से अच्छे से गूंथ लेते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई में आप गैस पर तेल गरम होना रख दीजिए, और भटूरे बनाने के लिए तेल एकदम अच्छा गरम कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारा तेल ठंडा होगा तो हमारे भटूरे अच्छे से नहीं फूलेंगे। आप भटूरे को चाहे तो गोल या लंबाई आप कैसे भी बेल सकते हैं। ये देखिए मैंने भटूरे बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए तेल में डाल दिया है, और अब हम साइड साइड से भटूरे के ऊपर तेल डालेंगे, जिससे भटूरा अच्छे से फूल जाए। अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छे से भटूरे को सेक लेंगे। तो देखिए मेरी ट्रिक से बने ना एकदम फूले फूले भटूरे। आप भी इस ट्रिक को यूज़ करिए, तो आपके भटूरे भी फिर ऐसे ही फूले फूले बनेंगे। और जिस ऐसे ही हम और सारे भटूरे तलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा भटूरा भी एकदम बलून की तरह फूल गया है। भटूरे बहुत जल्दी सिक जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब फटाफट से बहुत सारे भटूरे इजी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब चलिए अब हम इसकी सर्विंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे गुब्बारे जैसे भटूरे एकदम तैयार हैं, और हमारे टेम्पटिंग से छोले भी, और उसके साथ मैंने अचार रखा है और प्याज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।